मैडम ये एक एडवांस सर्जरी है, हम स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर सकते। शक्ति ये सही कह रही है। डॉक्टर शिव हमारा यकीन मानिए, हमें ऐसा लग रहा है जैसे चाचा जी यहीं कहीं हैं। प्लीज सकते। सर प्लीज। शक्ति क्या कर रही हो? तुम्हारे इंट्यूशन के चलते हम पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं दे सकते। इस बात को समझने की कोशिश करो, इट्स एन ओटी, प्लीज। और तुम खुद एक मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर बनने वाली हो, तुम्हें रूल्स को फॉलो करना सीखना होगा शक्ति। सॉरी डॉक्टर सर। चले। थैंक यू डॉक्टर, सॉरी। इट्स ओके। बहुत सख्त जान है बुड्ढा, कितना टाइम लगा दिया बेहोश होने में। मैम आज डॉक्टर शिव इतने सालों बाद ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन मैं ही करूंगा, लेकिन नाम शिव का आएगा। ओह गॉड, जिस चीज का डर था वही हुआ। राख मना करने के बाद भी ये जाके ऑपरेशन कर रहा है। ये खुद तो मरेगा ही, साथ में मुझे भी मरवाएगा। इसे किसी भी तरह रोकना होगा। I have to stop him. I have to stop him. ये पागल लड़का बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता। इस लड़के को अभी के अभी रोकना पड़ेगा, पता नहीं वरना ये क्या कर लेगा। मेरी बात नहीं समझ। मिसेस जी कहाँ चली? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारे चाचा जी यहीं कहीं आसपास हैं? चल बुड्ढे, ऊपर जाने के लिए तैयार हो जा। स्कैल्पर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हमारी माँ का दर्द हमसे सहा नहीं जा रहा है, पापा को जल्दी घर ले आओ। अगर आपको इनकी भक्ति में कमी लग रही है तो ठीक है, हमारी माँ की प्रतिज्ञा अब हमारी प्रतिज्ञा है। जब तक आप पापा को घर नहीं लेकर आते हैं, तब तक हम दोनों माँ बेटे एक टांग पर खड़े रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल बहुत अर्जेंट काम है, मुझे देर हो रही है। आप तो बस बिजी ही रहती हैं, कभी हमारी तरफ भी देखिए करो। हम तो इंतजार करते हैं कि कब आपकी खूबसूरत नजर इस नाचीज पर भी पड़े। आज मत चाहिए। सच में अगर अर्जेंट काम नहीं होता तो मैं रुक जाती, पर आई प्रॉमिस शाम को जरूर मिलूंगी। ओके? वैसे जिस काम के लिए मैं आपको रोक रहा था वो बहुत जरूरी है। 5 लाख कैश, वो आपके सीक्रेट चैरिटी के लिए पैसे। हाँ वैसे मिसेस जी एक चीज बताइए, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, पर पिछले 7 साल से आप मेरे अकाउंट से पैसे मांगती है, वो भी कैश में। आप भी ना कितने इनोसेंट है कमल। अरे आप अपने हाथों से चैरिटी करेंगे तभी तो आपको पुण्य मिलेगा। मिसेस जी आपकी इन्हीं बातों पे तो मेरा दिल आ जाता है। वैसे आज ना शाम को मैंने मुझे लेट हो रहा है, मैं शाम को मिलती हूँ। बाय। इतने
इतने सारे पैसे? मंदिरा 7 सालों से कमल भैया से ले रही है, क्यों, किस लिए, किसे देने के लिए? गौरी के जाने के पहले हम जो चैरिटीज करते थे वो गौरी के जाने के बाद मंदिरा ने करने शुरू कर दिए, लेकिन ऐसी कौन सी चैरिटी है जो इतना पैसा कैश में ले रही है? और कमल भैया उसे आसानी से दे भी दे रहे हैं, क्योंकि कमल भैया को मंदिरा से इतना लगाव है कि उसकी बातों पे सवाल ही नहीं करेंगे। लेकिन कुछ तो है जो मंदिरा उल्टा सीधा कर रही है। हमें पता करना ही होगा कि मंदिरा ये पैसे किसे दे रही है और क्यों दे रही है। इससे पहले कि मंदिरा आंटी डॉक्टर शिव पर वार करे, हमें उन पर वार करना होगा। पूरे परिवार के सामने हमें उनका पर्दाफाश करना होगा। सबको ये बताना होगा कि आज तक इस घर में जो भी कुछ गलत होते आया ना, उन सब के पीछे उनका हाथ है। इससे पहले वो हमें खत्म करे ना, हमें उनको खत्म करना होगा। शक्ति, हमें मंदिरा की काली करतूतों का छोर मिल चुका है। हम इसी छोर के सहारे उसकी सारी काली करतूतों का पर्दाफाश कर देंगे। चाचा जी प्लीज फोन उठाइए। तो गड़बड़े, चाचा जी ने आज तक ऐसा नहीं किया। मेहता जी। हाँ जी। मेहता जी, वो पुराना ओटी ऑपरेशनल नहीं था। वो ऑपरेशनल कब हुआ, किसी ने मुझे उस बारे में बताया क्यों नहीं? पुराना ओटी? सर, पुराना ओटी तो अभी भी बुरी हालत में पड़ा हुआ है, वो ऑपरेशनल कैसे हो सकता है? आप अंदर नहीं आ सकती, यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। अरे, ये एक नॉन ऑपरेशनल ओटी है। यहाँ का ड्रेनेज हॉस्पिटल में नहीं, बाहर जाकर नाली में मिलता है। अगर गार्ड्स ने देख लिया ना, उन्हें शक होगा और वो आके देखेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। बंद करो उसे। हेलो माँ। तुम्हारे चाचा जी का पता चला? नहीं माँ, चाचा जी का भी कुछ पता नहीं चला। माँ, हम आपको बाद में फोन करते हैं। शक्ति, पुराना ओटी ऑपरेशनल नहीं है। पता नहीं वहाँ किसका ऑपरेशन। डॉक्टर शिव ये हमारे चाचा जी का ब्रेसलेट है। और ये वहां से, ये ड्रेनेज तो पुरानी ओटी से। इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो, हमें पता है कि अंदर क्या हो रहा है। शिव शक्ति, thank you.
जल्दी पकड़ो उन्हें। डॉक्टर शिव, ये देखिए। इस सर्जरी के कारण, इसका मतलब उन लोगों ने सर्जरी शुरू कर दी थी। ये बोले ना, हमें हमें जल्द से जल्द किसी सर्जन को बुलाना होगा अभी। शक्ति, ये वक्त रोने का नहीं है, सोच समझ के काम करने का है। चाचा जी की स्टिचेस मैं करूंगा, ठीक है? शक्ति प्लीज, मैंने कहा ना ये रोने का वक्त नहीं है, प्लीज फोकस, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, ठीक है? काम डाउन, मॉनिटर्स ऑन करो, मैं हाथ सैनिटाइज कर रहा हूं। मैं करता हूं, सैनिटाइज योरसेल्फ। शक्ति ग्लव्स। इनके वाइटल्स बिल्कुल ठीक है, अभी एनेस्थीसिया का इफेक्ट है, इसलिए थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर शिव, वो लोग ने चाचा जी के साथ ऐसा क्यों किया? चाचा जी ने क्या ही बिगाड़ा था उन लोगों का? क्यों उनके साथ ये सब? शक्ति, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं, इस वक्त हमें ये पता लगाना है कि ये सब किया किसने, उन्हें ढूंढना है और उन्हें सजा दिलवानी है। हम चाचा जी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। आप इसे हमारी कमजोरी कहें या कुछ भी, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही चाचा जी के पास रहेंगे। शक्ति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। कोई हिंट नहीं था, कुछ पता नहीं था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे एहसास से हमें पता चला कि चाचा जी यहाँ पर है। I'm sorry, मुझे तुम्हारे इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए था। अगर मैंने तुम्हारी बात पहले ही मान ली होती तो चाचा जी के साथ ये सब नहीं होता, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। आपने हमारी बात मानी, इससे तो आप ओटी आए थे ना हमारे साथ। डॉक्टर शिव, अगर आज चाचा जी सेफ है ना, तो उसका क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। अभी म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी बंद करें, पहले हमें उन लोगों को ढूंढना होगा जो हमारे हॉस्पिटल में इस तरह का क्राइम कर रहे हैं। तुम यहीं रुको उनके साथ, मैं जाके पता लगाता हूं कि वो डॉक्टर्स कौन थे। और प्लीज, रोना बंद करो। Oh,
चाचा जी, चाचा जी कुछ बोलिए ना, हमें जानना है क्या अब ठीक तो है, कुछ तो बोलिए प्लीज। आपको याद है बचपन में जब सर्दियों में हमने आइसक्रीम खा ली थी और हमारी आवाज चली गई थी, आप कितने परेशान हो गए थे, कितने नुस्खे आजमाए थे आपने, आयुर्वेदिक दवाई खिलाई, सब कुछ किया था आपने हमारे लिए। आप यही कह रहे थे ना कि हमारे आवाज के बिना घर इतना सूना लगता है, आज वैसे ही बिल्कुल वैसे ही हमें भी सूना लग रहा है चाचा जी, प्लीज प्लीज कुछ तो कहिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हुआ था, ये लोग कौन थे और आपका ऑपरेशन ऐसे क्यों करा रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी इस हालत के लिए जो भी जिम्मेदार है ना चाचा जी, हम आपके चरणों की कसम खाते हैं कि जो भी गुनहगार है ना उसे हम सजा दिलवा कर रहेंगे, वो जहां भी भागा हम उसे ढूंढ कर रहेंगे, और सबसे पहले हम उसे आपके पैरों में गिराएंगे और फिर उसे जेल भेज कर रहेंगे। हम आपकी कसम खा रहे हैं चाचा जी, मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्या कर दिया तुमने कीर्तन, क्या कर दिया, मुझे नहीं पता इस बार मैं तुम्हें बचा पाऊंगी या नहीं। चाची आप, थैंक गॉड चाची आप यहां मिल गए, आपको तो पता चल ही गया होगा कि यहां पर क्या हुआ है। चाची जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, हमारी हॉस्पिटल की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए चाची, हमें पता लगाना होगा कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। चाची मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमें पता लगाना होगा कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऑर्गन स्मगलिंग का रैकेट चल रहा है। पर मैंने तो कहा ही नहीं कि यहाँ पर ऑर्गन स्मगलिंग रैकेट चल रहा है। नहीं, वो शक्ति के चाचा के साथ जो हुआ है लोगों को तो यही लगेगा ना कि ऑर्गन स्मगलिंग का रैकेट चला है यहाँ पे। चाची आप ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। हमारे नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा था और मुझे पता भी नहीं था, अब क्या कहेंगे सबको हम, हमारे हॉस्पिटल के रेपुटेशन को क्या होगा? चाची वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये सब किया किसने है और उस इंसान को सजा दिलानी होगी। यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।